हेलो गाइस, मैं सरफराज, आप मेरा चैनल देख रहे हैं माई सुपर ब्लॉग। ये डोजर कैट का है, D6R2। आज आप सबको इसके बारे में जानकारी देंगे, इसको सीखने का आसान तरीका। ये बस 10 से 15 मिनट में, अगर अच्छे से आप अगर इसको केयर कीजिएगा तो 10 से 15 मिनट लगेगा इसको सीखने में, और आसानी से आप कहीं भी रह के 18 से 19 हज़ार रुपया पेमेंट कमा सकते हैं। आपको बताएंगे ये कैसे चलता है, किस तरह चलता है और इसमें कैसा कैसा फंक्शन है। बस एक इसमें आगे सामने एक ब्लेड है और पीछे किसी किसी में रहता है और सिस्टम, लेकिन इसमें सिर्फ आगे ब्लेड है। और इस ब्लेड को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, ये ट्रैक को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा और समझिएगा। ये ब्लेड है, ये ब्लेड देख रहे हैं, और एक ये दो सिलेंडर है ब्लेड का, माने ब्लेड को अप डाउन करने के लिए, और दूसरा इस तरफ एक सिलेंडर है बैंड करने के लिए, ये वाला बैंड करने के लिए, और ये ट्रैक है। आइए और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह लीवर से। तो ये रहा मशीन का केबिन, ये सीट है, ये दो सामने दिख रहा है, ये पैलेट लीवर है, ये राइट साइड, वो लेफ्ट साइड का लीवर है। तो राइट साइड के लीवर में ये ब्लेड का फंक्शन है, ये नीचे डाउन कीजिएगा ब्लेड नीचे की ओर जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो ब्लेड ऊपर की ओर आएगा। ये साइड करने से ब्लेड राइट साइड बेंड होगा, और लेफ्ट साइड करने से ब्लेड लेफ्ट साइड की ओर बेंड किया जाएगा। और इसमें फंक्शन है, ये एफ देख रहे हैं, एन और आर, एफ कीजिएगा एफ की ओर, ये कटिंग दिख रहा है कटिंग, तो ये एफ की ओर का किए हुए हैं तो फॉरवर्ड ट्रैक मार्चिंग करेगा। एन पे कर दिए, ये न्यूट्रल हो गया, राइट किए, ये रिवर्स की ओर हो गया। ये दो गियर का बटन है, इसमें तीन गियर होते हैं, इसको चापिएगा तीन बार, तीन गियर लगेगा, इसको नीचे डाउन कीजिएगा तो एक नंबर तक आएगा। ये फंक्शन लॉक है, ये लॉक है, अभी ये लॉक खुलेगा बस। ये आरपीएम के लिए, रेस के लिए है, ये यहाँ चाबी से स्टार्ट करते हैं, आप बताते हैं कैसे स्टार्ट होता है। ये चाबी डाला हुआ है, ये ऑन हुआ, ये देखिए ऑन हो रहा है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले ऑन हुआ, स्टार्ट हो चुकी है, ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है। आप ये देखिए, ये फंक्शन, पहले ये इधर देखिए आरपीएम, यहाँ से आरपीएम दो, ये आरपीएम जितना देना उतना आरपीएम, और इससे आवाज ज्यादा आने के कारण आरपीएम को थोड़ा कम कर। ये ब्लेड ये देखिए, ये ऊपर की ओर कर रहे हैं, ब्लेड ऊपर की ओर आ रहा है, ये नीचे कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहा है, ये देखिए बैंड ये साइड हो रहा है, आप देखिए ये ब्लेड इस साइड की ओर बैंड हो गया। बस यही है आसान तरीका है, अगर आप इसको सीख लेते हैं, सीखने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ऐसे आपको 10 से 15 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 से 4 5 दिन अगर देते हैं तो ये ब्लेड मारने का तरीका आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। अगर आप घर के तरफ ड्राइविंग कर चुके हैं तो और आपके लिए इजी रहेगा, अगर कभी ड्राइविंग नहीं किए, गाड़ी उड़ी पे नहीं चलाए तो फिर आपके लिए थोड़ा लेट लगेगा। दूसरा, अगर ड्राइविंग व्राइविंग कर इतना जानते हैं तो थोड़ा और इजी रहेगा, इसको चलाने में कुछ ज़्यादा ये नहीं, भारी नहीं है। ये देखिए आप, ये स्ट्रिंग, ये हम इस तरह बैंड कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग राइट की ओर जा रहा है, ये लेफ्ट की ओर कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, राइट की ओर करने से राइट की ओर, लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट की ओर। अब हम इसका फॉरवर्ड गियर लगाएं, ये फॉरवर्ड में ये जा रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप अगर ऐसे घूम रहे हैं तो ये मशीन ये आपको अच्छा रहेगा, और आप जल्दी से जल्दी आप 18 से 20 हज़ार के आसान से कमा सकते हैं।
नंबर नहीं रखना चाहता, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।